हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग स्टडी कंटिन्यूअसली. इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट एंड वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ योर ईवीएस बुक वंडर वर्ड. द चैप्टर द टॉपिक इज बर्ड आवर विंग फ्रेंड एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस चैप्टर इन द प्रीवियस वीडियोज एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज टॉपिक्स. So let's start. Okay, so this is the filling the blanks which is giving in the between the chapters. Means ये जो exercise given है book में वो chapters के बीच में दी हुई है. जो particular आपकी exercise होती है वहां पर given नहीं है. Okay, so हम इसमें थोड़ा सा discussion करेंगे because ये आपका थोड़ा सा different है. मतलब chapters से related भी नहीं है कुछ topics. बट नॉलेज गिवन है, आपकी नॉलेज इससे इंक्रीज होगी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहां पर क्वेश्चन है द चूज वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो लिसन फर्स्ट थिंग क्लियरली. द टू टाइप्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर इन द बुक्स. बुक्स में जनरली दो तरीके के फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं. फर्स्ट वन वो वाले होते हैं जिसमें आपको कोई हिंट नहीं दे रखा होता है. आपको सेंटेंस रीड करना होता है, वहां पर फिलअप दे रखा होता है, वहां पर आपको करेक्ट आंसर फिल करना होता है. सेकेंड टाइप के होते हैं, उसमें आपको एक हेल्प बॉक्स गिवन होता है, जैसे यहां गिवन है, जिसमें कुछ आंसर्स लिखे होते हैं और उन्हीं में से आपको आंसर्स सिलेक्ट करने होते हैं और एप्रोप्रिएट सेंटेंस में वहां पर फिल करने होते हैं. ओके, सो दिस इज विद द हेल्प बॉक्स. सो आपको जो भी आंसर यहां फिल करने होंगे वो हेल्प बॉक्स की बैक बॉक्स की हेल्प से ही करने होंगे, अलग से नहीं कुछ सोचना होगा. ओके, तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. द फिश यूजेस इट्स टेल टू डैश. अब देखिए यहां मैंने फिश की पिक्चर बनाई है. लुक, तो ये पिक्चर जो है यहां पर, ये टेल की अगर हम बात करें तो ये फिश की टेल जो है वो कंसीडर की जाती है, दिस पार्ट. तो आपने कई बार देखा होगा जब फिश जब भी स्विम करती है तो इस तरह से मूव होती है और मूव होते टाइम उसका बैक एरिया जो है वो भी तुरंत बहुत ज्यादा शेक करता है. ओके, सो फिश यूजेस इट्स टेल टू कंगारू, KANGARO. तो क्या कंगारू यहां पर आएगा? डेफिनेटली नॉट. ओके, यहां पर कंगारू नहीं आएगा. नेक्स्ट है स्विम, SWIM. सो डेफिनेटली इट्स करेक्ट. फिश यूजेस इट्स टेल टू स्विम, यानी कि स्विमिंग के लिए फिश अपनी टेल को यूज करती है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स. द डैश यूजेस इट्स टेल एज अ थर्ड लैग टू हॉप. देखिए हॉप का मतलब होता है कूद कर चलना. ओके, कूद कर चलना, ठीक है, सिंपल तरीके से नहीं वॉक करना, कूद कर चलना जो होता है उसे कहते हैं हॉपिंग. ओके, सो यहां पर जो हॉप की बात की जा रही है तो आपको ये चीज खुद ही अज्यूम कर लेनी है कि यहां जो भी एनिमल आएगा वो हॉपिंग करता होगा, ठीक है. तो यहां आप देखिए डॉग है, फ्लाइंग है, स्विम को आप कट कर सकते हैं बिकॉज स्विम अब यहां नहीं आएगा, स्विम ऑलरेडी आ चुका है, स्विम अब किसी में भी नहीं आएगा बिकॉज यहां जितने क्वेश्चन है उतने ही यहां पर आंसर्स गिवन है. तो अब यहां पर ये स्विम कहीं पर भी नहीं आएगा, तो स्विम को आप कट कर सकते हो. ओके, सो यहां फर्स्ट वन है कंगारू. सो डेफिनेटली आपने देखा होगा कंगारू जो है वो हॉपिंग ही करता है और यहां पे कोई भी ऐसा एनिमल नहीं दे रखा है जो हॉप करता हो. तो इट इज अंडरस्टूड, आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते, बिल्कुल अगर आप ना भी सोचें बहुत ज्यादा इस बारे में तब भी यहां पर आप इजिली कंगारू को फिट कर सकते हैं. ओके, सो कंगारू यूजेस इट्स लेग, इट्स टेल एज अ थर्ड लेग टू हॉप. ओके, नेक्स्ट वन इज बर्ड यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन वाइल्ड. बर्ड्स टेल्स को यूज करती हैं टेल्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर वो इस तरीके से फ्लाई कर रही हैं और उन्हें डायरेक्शन राइट साइड में मूव करना है तो वो कैसे करेंगी, किस चीज का वो यूज करती हैं, तो यहां ये पूछा गया है. तो आप कंगारू भी कट हो गया है और कंगारू नहीं आएगा, डॉग भी नहीं आएगा, फ्लाइंग और क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल भी नहीं आएगा, डॉग भी नहीं आएगा यहां पर, तो क्या आएगा फिर? डेफिनेटली यहां पर आएगा आपका फ्लाइंग, बिकॉज फ्लाइंग के टाइम पर बर्ड ऐसा करती हैं. क्या करती हैं? टेल्स यूज करती हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज द डैश यूजेज इट्स टेल टू अटैक एनिमी. अब यहां पे देखिए आपके पास टू ही रह गए हैं, डॉग और क्रोकोडाइल. अब देखिए डॉग यहां आएगा या क्रोकोडाइल आएगा, अब यहां पर टेल की बात हो रही है. एनिमीज पर अटैक करने के लिए इनमें से कौन अपना अपनी टेल को यूज करता है? तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट वाले पे जाते हैं. द डैश वेग्स इट्स टेल टू शो इट इज हैप्पी.
अब यहां पर वेग्स का मतलब जो होता है वो होता है हिलाना, मूव करना, ठीक है। तो यहां बोला जा रहा है कि डैश वेग्स, यानी जो कोई भी यहां आएगा वो अपनी टेल को मूव करता है, शेक करता है, ये दिखाने के लिए कि वो हैप्पी है। तो क्या क्रोकोडाइल ऐसा करता है? डेफिनेटली नॉट। डॉग डज दिस थिंग। ओके, सो वी विल फिल हियर डॉग। अब ओनली सिंगल आंसर इज हियर रिमेनिंग, दैट इज क्रोकोडाइल। ओके, सो वी विल फिल हियर क्रोकोडाइल। सो क्रोकोडाइल यूजेज इट्स टेल टू अटैक एनिमीज। अपने एनिमीज पर अटैक करने के लिए क्रोकोडाइल टेल का यूज करता है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर ए इज फिलिंग द ब्लैंक्स। So first one is birds like to perch on dash and they built dash to lay eggs. Okay, so यहां perch का meaning होता है sitting यानी बैठना। तो birds बैठना पसंद करती हैं कहां? Trees पर। And they built nests to lay eggs, और अपने eggs को put करने के लिए वो nest बनाती हैं। Okay, so here we will write trees and here we will write nests. Okay, in the next one is ducks and geese have dash to help them swim. इनके जो legs होते हैं वो webbed legs होते हैं, आपने देखा होगा, एक different shape में इनके legs होते हैं ducks के, और वो legs इनको help करते हैं swimming में। All right, so here we will write webbed legs. Question number 3 is birds have strong but dash bones. अगर हम यहां इसको अगर हम यहां इसे हाइड कर लेते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दैट बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हॉलो बोन्स। ओके, सो यू विल राइट हियर हॉलो। ऑल राइट, डैश फेदर्स आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ बर्ड्स। अब ये क्वेश्चन करवाने के लिए पहले हम क्वेश्चन आंसर्स पर एक बार चाहते हैं, और वहां पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 शो कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है Why do birds have feather and what are the 3 types of feathers? Okay, so यहां पर मैंने feathers के types लिखे हैं, body feather, down feather and flight feather. Okay, अब देख लेते हैं। यहां पर dash feathers are found on the wings and tails of birds. तो कौन से feathers जो होते हैं जो उनकी tails पर और wings पर मिलते हैं? तो डेफिनेटली दे आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। तो 3 टाइप के फेदर्स आपको बताए गए हैं, और जो फेदर्स उसकी बर्ड्स की टेल पर होते हैं दोज फेदर्स आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। ऑल राइट, सो वी विल राइट हियर फ्लाइट फेदर्स। एंड इन द क्वेश्चन नंबर 5 द टेलर बर्ड स्टिचेस लीव विद इट्स लॉन्ग थिन बीक टू मेक नेस्ट। टेलर बर्ड क्या करती है? टेलर बर्ड की बीक जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग और थिन होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ बीक शी स्टिचेज द लीव्स विद द अदर थिंग्स, लाइक ये बहुत सारी चीजें जैसे अपने साथ रखती है, लाइक जो वेब होता है स्पाइडर का वेब होता है उसमें से ये उसे एज अ थ्रेड यूज करती है लीव्स को आपस में ज्वाइंट करने के लिए। तो ये सारे काम ये जो करती है वो अपनी बीक की हेल्प से करती है। ओके, बिकॉज हर बीक इज फेवरेबल फॉर दैट। सो हियर फिलिंग द ब्लैंक्स आर फिनिश्ड। ऑल राइट, एंड आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज लिस्ट सम स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स। द फर्स्ट वन इज विंग्स। आपको क्या करना है आंसर्स में? स्पेशल फीचर्स ऑफ बर्ड्स आर विंग्स, नंबर 1 विंग्स, नंबर 2 फेदर्स, नंबर 3 बोन्स। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। हाँ, तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, यहां पर आपको बोन्स जो है वो नहीं लिखना है, यहां आपको लिखना है हॉलो बोन्स। ओके, बिकॉज दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द बोन्स ऑफ बर्ड्स दैट देयर बोन्स आर हॉलो, सो वी विल राइट हियर हॉलो बोन्स। वी विल नॉट राइट ओनली बोन्स, वी विल राइट हियर हॉलो बोन्स, HOLLOW। ऑल राइट, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बर्ड्स नंबर 4 इज देयर एबिलिटी टू फ्लाई। ओके, दे कैन फ्लाई, वी पीपल कांट फ्लाई, एनिमल्स कांट फ्लाई, बट बर्ड्स हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स दैट दे कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, इवन दे कैन फ्लाई ऑफ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस विच दे आर इन द माइग्रेशन। मैं माइग्रेशन के बारे में अगर बताऊं को तो दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे।
ओके सो देयर दिस इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी दैट बर्ड हैव ओके दैट बर्ड्स हैव. नेक्स्ट वन इज देयर बीक्स इज ऑल्सो स्पेशल बिकॉज यू रिमेम्बर दैट बीक्स जो होती हैं, आपको याद होगा कि बीक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी की पॉइंटेड बीक होती है, किसी की वेल शेप्ड बीक होती है, तो स्ट्रांग होती है, हर तरीके की बीक्स होती हैं. वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है और डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं. ओके सो जैसा भी वो जो भी वो ईट करते हैं अकॉर्डिंग टू देम उनकी जो बीक्स होती है वो भी अलग अलग होती है. ठीक है, तो बीक्स के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में. तो ये फीचर्स हैं बर्ड्स के, कुछ फाइव फीचर्स हैं. ओके नेक्स्ट वन है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स बर्ड्स हैव. सो बर्ड्स हैव कर्व्ड, स्ट्रांग, शार्प, हुक्ड, पॉइंटेड, लॉन्ग सीजर लाइक बीक्स. यानी बहुत सारे टाइप्स की बीक्स होती हैं और ये कुछ बीक्स जो हैं वो मैंने यहां पर आपको बताई हैं. ओके नेक्स्ट वन इज व्हाट इज प्रीनिंग. प्रीनिंग आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने चाहती हूँ कि आपके घर पर ड्रेसिंग टेबल होगी, तो जब भी आप लोग कहीं जाते होंगे तो आप ड्रेसिंग टेबल में खुद को, उसका जो मिरर होता है वहां पर आप खुद को देखते होंगे कि आपने कैसी फ्रॉक पहनी हुई है, कैसे आप दिख रहे हैं, और कुछ अपना आप करते होंगे, जैसे अपने कॉम हेयर कॉम करते होंगे या बहुत कुछ आप करते होंगे. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग. तो प्रीनिंग का मतलब होता है एक तरीके से अपने आप को सजाना संवारना. ठीक है, तो उसी तरह बर्ड्स भी, बर्ड्स के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती हैं एंड बर्ड ब्रशेस ऑयल ऑल ओवर देयर फेदर्स. अब उसके लिए वो ऑयल जो ग्लैंड्स हैं वो उसको उस फेदर को वो अपने फेदर्स पे लगाती हैं ऑयल्स को, तो उससे क्या होता है ये बीक का यूज करती हैं. दे यूज देयर बीक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग. तो एक तरीके से वो खुद को रेडी कर रही होती हैं फ्लाई के लिए, फ्लाइंग के लिए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग. एक बार रीड कर लेते हैं. अ बर्ड ब्रशेस ऑयल ओवर इट्स फेदर बाय यूजिंग इट्स बीक. अपनी बीक का यूज करके वो फेदर पर, अपने फेदर्स पर ऑयल को लगाती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रीनिंग इन द बर्ड्स. बर्ड्स में प्रीनिंग का ये मतलब होता है. अदरवाइज अगर प्रीनिंग की बात की जाए तो अपने आप को रेडी करना, तैयार करना और कुछ स्पेशल अपने लिए करना, सजाना संवारना, ये सब प्रीनिंग होती है. ओके नंबर फोर इज व्हाई डू बर्ड्स हैव फेदर्स. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ फेदर. फर्स्ट वन इज फेदर कीप्स द बर्ड्स वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स के पास फेदर्स क्यों होते हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है फेदर्स की. सो बिकॉज दे फ्लाई हाई इन द स्काई एंड फेदर्स कीप द बर्ड्स वार्म. जब वो ऊपर उड़ती हैं, जब उड़ते टाइम, फ्लाइंग के टाइम पर ऊपर का जो जो एटमोसफेयर होता है वो बहुत कोल्ड होता है, और उससे बचने के लिए उनके फेदर्स जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं. दे प्रिवेंट देम फ्रॉम दैट क्लाइमेटिक कंडीशन and they keep them warm and help them to fly. Okay, so three types of feather are there: body feather, down feather and flight feather. Here you will just write the names of the feathers. Okay, ab last question hai, wo dekh lete hain. What is migration. Question number 5 is what is migration. Name some migratory birds. Okay, so what is migration exactly. When birds and animals move from one place to another place. ओके अगर मैं बात करूं तो बर्ड्स और एनिमल्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी फूड और वाटर के लिए, एंड देयर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड माइग्रेशन. ओके तो हेयर आर थ्री माइग्रेटरी बर्ड्स आई हैव रिटन. माइग्रेटरी बर्ड्स आर हेयर आर्कटिक टर्न, फ्लेमिंगो एंड क्रेन. दे मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर एग्जैक्ट प्लेस. Like if I talk about flamingo and crane from Siberia, means generally they live in the Siberia, and from in the winter season to keep themselves warm and to live, they change their place and they do migration. They fly thousands of kilometers and they reach to India and they lay eggs over here. Okay. सो फिर फ्लेमिंगो एंड क्रेन जब वहां विंटर सीजन होता है साइबेरिया में, तब ये मूव करते हैं इंडिया की तरफ. और आर्कटिक टर्न भी मूव करता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जब विंटर सीजन होता है. ओके सो अब ये माइग्रेशन करते हैं फूड और वाटर के लिए.
और वहां की जो फेवरेबल कंडीशन होती है, वो जो कंडीशन होती है इनके लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो इनके लिए फेवरेबल नहीं होती है. लाइक विंटर इतनी ज्यादा होती है, दे कांट सर्वाइव एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, सो दे लीव देयर प्लेस फॉर सम टाइम. एंड वेन द विंटर विंटर जब खत्म हो जाती है, तो ये वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं. ओके, सो देयर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. See this video completely and complete your exercise in your notebook. This work you need to do in the in your notebook in the proper manner. Okay, fling the blanks, true false, और जो help box वाले fling the blanks है, there is no need to do them in the notebook. बस just you need to do question and answers in the notebook. And one more activity is there. आपको क्या करना है, birds के pictures जो हैं वो वहां पर stick करने हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपको, पिक्चर्स आपको कलेक्ट करने हैं. अगर आप पिक्चर्स कलेक्ट नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, आप ड्रॉ कर सकते हैं बर्ड्स को और उन्हें कलर कर सकते हैं. ये सारा वर्क आपको नोटबुक में करना है. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक.